हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है सैक्रिफाइसेस ट्रेडिशन यज्ञ परंपरा। टॉप चैप्टर का नाम है विचारक विश्वास इमारतें थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। और इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हमारे प्राचीन भारत में एंशियंट टाइम में ट्रेडिशन चलते थे, कल्चरल ट्रेडिशन चलता था या रिलीजियस ट्रेडिशन चलता था, उसके बारे में जानेंगे। हम पढ़ेंगे वेद क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे उपनिषद क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे यज्ञ क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ वगैरह वगैरह। आइए शुरू करते हैं। यज्ञ परंपरा, यज्ञ परंपरा का मतलब बच्चों प्राचीन काल में भारत में पहले से ही ऐसी परंपराएं थी जिनका पालन किया जा रहा था, जिसमें विभिन्न देवताओं की पूजा की जाती थी। इसका पता हमें कैसे चलता है? इसका पता हमें वेदों से चलता है या वेद से चलता है। अगर आपने वेद का नाम सुना होगा तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद इज द टेक्स्ट रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज व्हिच वाज कंपोज्ड इन 1500 BCE ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे ऋग्वेद ग्रंथ लिखे गए थे संस्कृत भाषा में। और इन्हीं ऋग्वेदों से इसी ऋग्वेद ग्रंथ से हमें काफी जानकारी मिलती है कर्म कांडों के बारे में, रिटोर्स के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में और उसके अलावा सैक्रिफाइसेस या यज्ञ परंपरा के बारे में। ठीक है, तो 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1500 ईसा पूर्व में। 1500 ईसा पूर्व में लिखे गए ऋग्वेद ग्रंथ से हमें बहुत सारी जानकारियां, धार्मिक सांस्कृतिक जानकारियां मिलती हैं कि लोग किस प्रकार के कार्य करते थे। तो ऋग्वेद में ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं जो जो उस समय वो इंद्र, सोम और अग्नि, अग्निदेव, सोम यानी चंद्रमा, इंद्र, ऋग्वेद ग्रंथ के अनुसार उस समय लोग इंद्र, सोम, अग्नि और भी देवता थे, वरुण थे, उसके अलावा आपका सावित्री थी, इन देवताओं की पूजा करते थे यज्ञ करने के दौरान और उनसे लंबी आयु, बेटा, जानवर, सुख, इसके अलावा धन, युद्ध में विजय, ऐसी चीजें मांगते थे। They demanded, they prayed to the deities like from Indra, Somagni, and they demanded, they prayed for long life, better health, son, victory in the warfare. And the cattle, कौन? वो लोग जो 1500 ईसा पूर्व में रहते थे भारतीय महाद्वीप पे। इस प्रकार से यज्ञ परंपरा कहीं ना कहीं वेदों से जुड़ी हुई परंपरा है जिसमें यज्ञ किया जाता था। यज्ञ करने का मतलब आप इस पिक्चर में देखेंगे, एक तरह से आपको ये यज्ञ वेदी दिखाई देगी। इसके चारों तरफ लोग बैठते थे, बैठने के बाद इसमें यज्ञ किया जाता था। आहुतियां, सैक्रिफाइस, आहुति सैक्रिफाइस है ना, सैक्रिफाइस हम यज्ञ भी बोल रहे हैं, फायर अल्टर कहते हैं ना यज्ञ वेदी को। तो आहुति पड़ती थी और देवता का आह्वान होता था। अगर आपने रामायण महाभारत ध्यान से देखा हो तो उसमें ऋषि और मुनि वैदिक शिष्य जो है आपको यज्ञ करते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए दिखाई देंगे। वो यज्ञ हो रहा है, वो वैदिक लोग हैं, यज्ञ कर रहे हैं, फिर देवता प्रकट होते हैं। एक्चुअल में देवता प्रकट होते थे यानी अलग बात है, लेकिन वो यज्ञ है, यज्ञ परंपरा है। ठीक है, तो सैक्रिफाइस सिस्टम वाज फॉलोड इन एंशिएंट इंडिया है ना, बिफोर 1500 BCE। इसमें इंद्र, सोम, अग्नि आदि देवताओं की पूजा की जाती थी, लोग इस यज्ञों में जुड़ते थे और लंबी आयु, स्वास्थ्य, बेटे की इसमें प्रार्थना की जाती थी। किससे? देवताओं से, मुख्य देवता ये थे। फिर यज्ञ परंपरा को दूसरे पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये तो है ऋग्वेद, इसको कहते हैं ऋग्वेद। दूसरा आता है इसका फेज होता है 1000 to 500 BCE। ये जो ऋग्वेद वाला पीरियड है बच्चों, इस पीरियड को कहते हैं ऋग वैदिक पीरियड, मतलब ऋग वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड, अपने वैदिक सिविलाइजेशन भी सुना होगा। फिर 1000 to 500 BCE का जो पीरियड है बच्चों, इसको कहते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। इसको क्या कहते हैं? पोस्ट वैदिक पीरियड, यानी उत्तर वैदिक काल कहते हैं इसको, लिखना नहीं आपको। ठीक है, इस पीरियड में भी कुछ और वेद लिखे गए, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, आपने सुना हो तो वेदों की संख्या 4 है, सबसे पुराना ऋग्वेद है। ठीक, तो पोस्ट 1000 to 500 BCE में भी यज्ञ यानी सैक्रिफाइसेस किए जाते थे। इस दौरान यज्ञ और ज्यादा होने लग गए थे, बड़े पैमाने पर यज्ञ होते थे। मोस्टली जो किंग्स होते थे या जो रूलर्स होते थे
वो यज्ञ करते थे, they perform sacrifices, rulers, kings, chiefdoms perform sacrifices, यज्ञ करते थे वो लोग। और यज्ञ करने में अगर हम बात करें कौन कौन से मेन यज्ञों करते थे, कौन कौन से sacrifices थे, तो आपने सुना होगा अश्वमेध, एक होता है वाजपेय, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजसूय यज्ञ। आपने सुना होगा कि भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, वाजपेय यज्ञ भी होता था। अश्वमेध में अश्व जुड़ा, अश्वमेध यज्ञ वाज परफॉर्म्ड बाय द रूलर्स एंड दे वॉन्ट टू बिकम द कंप्लीट एम्परर ऑफ द होल एरिया ऑफ एनी पर्टिकुलर लैंड। वो किसी भी बड़े क्षेत्र का मालिक बनना चाहते हैं, इसमें क्या करते थे, एक घोड़े को छोड़ देते थे, जितने बड़े एरिया में घोड़ा जाता था उतना एरिया अगर कोई अपोज नहीं करता कोई राजा, तो उसी घोड़ा जिसने छोड़ा उस राजा का माना जाता। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, वाजपेय यज्ञ में रथ जो होते हैं, चैरियट्स होते हैं, ये जो रथ जिनको बोलते हैं वो दौड़ते थे, दौड़ाया जाता था। राजसूय यज्ञ में क्या होता था, कोई भी राजा जो होता था वो अपने को जब गद्दी पर बिठाता था, व्हेन ही सिट ऑन द थ्रोन देन ही परफॉर्म दिस सैक्रिफाइस, यानी इस यज्ञ को तब करता था। तीन प्रकार के यज्ञ हो गए, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। मुख्य तौर पर राजा और शासक के सरदार जो है यज्ञ करते थे, कब, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, उसके बाद ही यज्ञ होते थे, ठीक है। इस तरह से यज्ञ परंपरा प्राचीन समय से ही भारत में चलती आ रही है, जिसका पता हमें वेदों से, ऋग्वेद से चलता है। धीरे धीरे करके कुछ पब्लिक प्लेसेस पे यज्ञ होते थे, बाद में लोग पर्सनली अपने घरों में भी यज्ञ करने लग गए थे, दे पीपल स्टार्टेड डूइंग सैक्रिफाइस इन देयर होम। तो धीरे धीरे यज्ञ घरों में भी होने लग गए, घर में भी लोग पर्सनली करने लग गए। आज मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आजकल लोग घरों में जब पूजा पाठ होता है, गृह प्रवेश होता है, आपके शादियां होती है, यज्ञ ही होता है उसमें, कहीं ना कहीं बहुत सारे यज्ञ लोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये वैदिक कल्चर है, ये क्या वैदिक सभ्यता है, वैदिक लक्षण है, इसको हम क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता, वैदिक लक्षण। तो कंप्लीटली आपके लिए क्वेश्चन हो गया, कितने प्रकार के यज्ञ मुख्य हैं, तीन तरह के, अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय यज्ञ है। उसके अलावा आपके सामने प्रश्न आता है कि ऋग्वेदिक पीरियड हमें क्या जानकारी देता है, ऋग्वेद क्या जानकारी देता है, जानकारी यज्ञ परंपरा की जानकारी हमें देता है। क्या क्या डिमांड करते थे, कौन कौन से देवता थे, विच वर द डिटाइज वर्शिप इन द ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड और इन एंशिएंट टाइम इंडिया और बिफोर द 1500 बीसी टू 1000 बीसी। तो दे वर्शिप द इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, इतने सावित्री, इतने देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है। What they demanded from their retire, they demanded the better health, for the better long life, the sun, the cattle, the victory in the warfare. Completely chapter हो गया, आप question लिखेंगे, what do you understand by sacrifices, या sacrificial tradition, यज्ञ परंपरा से आप क्या समझते हैं, question आपका 3 marks का बनेगा। Next topic हम discussion करेंगे, जिसमें होगा new questions, जिसमें उपनिषद के बारे में जानेंगे, उपनिषद क्या होता है, उपनिषद कितने हैं, उपनिषद में क्या कहा गया है, वो हम जानेंगे। ये छोटा सा टॉपिक आपको समझना। थैंक यू।